अप्पा चरणदास बलदेव सुभद्रा भैया की जय। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही परम भगवान का पहचान है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। और इसीलिए लोग भजन गाते हैं, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना चला जाए तो चला जाए, भक्तों के लिए कुछ भी करते भगवान। तो इस प्रकार से जब मन शुद्ध होगा, कैसा होगा? मन हमारा शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, तो हमें हमेशा हर जीव के अंदर, हर उस जीवात्मा के अंदर, प्राणी के अंदर भगवान के दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे? भगवान के दर्शन होंगे। भगवत गीता में भी एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि वास्तविक में महात्मा वही है, पंडित वही है जो सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है, भगवान देखता है। लेकिन संसार में ऐसे नहीं होता है। संसार में क्या होता है? अनेक भेद है। संसार में क्या है? अनेक अनेक भेद होते हैं। हम लोग इतने भेद करते हैं कि शास्त्रों में 4 प्रकार के वर्ण है। क्या है? 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम। तो इन सबसे भी आगे बढ़ के हम लोग क्या करते हैं? इनको छोड़ देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भी भूल जाते हैं। अनेक अनेक प्रकार के जातियां और जातियों में भी उप जातियां, इसमें पड़ जाते हैं। सब में भगवान देखना तो दूर। जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम लोग कैसे अपना परिचय देते हैं? मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं कर्नाटक वाला हूँ, मैं तेलुगु हूँ। ऐसे अनेक प्रकार से हम लोगों ने अपना पहचान बना लिया। सभी जीवों में भगवान का दर्शन नहीं होता। इसका कारण क्या है? हमारा मन संसार में लगा है, संसार की शिक्षा में लगा है, और इसीलिए हम लोग दुखी हैं। तो कह रहे कि अनेक अनेक प्रकार से जब सब पाप धुल हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तब पुण्य का उदय होता है। क्या होता है? सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का उदय होता है, तब भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक पहला तो पुण्य ही नहीं उदय होगा, और पुण्य उदय नहीं होगा तो भागवत की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कैसे भागवत सुनना चाहिए, पीना चाहिए? सभी पापों को त्याग करके। सभी पाप मतलब अनेक प्रकार से आप लोग सुन रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हमारे पाप वृत्ति है उसको त्याग करके, मोह माया अहंकार क्रोध को त्याग करके और निर्मल शुद्ध हो करके भागवत सुनना चाहिए। ये आसान है क्या? आसान है। मोह छोड़ना, माया छोड़ना, अहंकार को छोड़ना, वैरागी बन जाना, त्यागी बन जाना आसान है क्या? कई लोग है ना बोलते मैं सब कुछ त्याग दिया हूँ, अब वृंदावन जा रहा हूँ, सब कुछ त्याग के हरिद्वार जा रहा हूँ, ऋषिकेश जा रहा हूँ, 4 धाम जा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ? 4 धाम पहुँच गए वहाँ, और पहुँचने के बाद फोन करते हैं। किसको फोन करते हैं? बैरागी जी, त्यागी जी, अपने बेटे को, बेटा ठीक से रहना, और बैंक का जो अकाउंट है ना पासबुक संभाल के रहना, मैंने बाहरी टेबल पे छोड़ दिया था, और तिजोरी की चाबी भी बाहर रह गई थी, उसको संभाल के रखना, घर में किसी को आने मत देना। अनेक प्रकार के चिंतन घर का चलता है, संसार का। ऐसा वैराग्य त्याग को क्या कहते हैं? ये मरकट वैराग्य है। थोड़ी देर के लिए छूटता है, बाकी अंदर भरा रहता है। तो ऐसा त्याग वैराग नहीं चाहिए। हाथ से जो छूट जाए, शरीर से जो छूट जाए, उसको वो त्याग वैराग नहीं। जो हृदय से मन से निकल जाए, चित्त में से निकल जाए, वास्तविक में वही त्याग वही वैराग है। फिर उसका कभी ध्यान नहीं हो, फिर कभी वो चिंतन मनन में ना आए, वैसा त्याग वैराग होना चाहिए। जैसे शास्त्रों में एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इसलिए बोल रहा हूँ। सभी लोग रात को बहुत अच्छा प्रसाद खाते हैं, महाप्रसाद भी खाते, 56 भोग भी खाते, कम से कम तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते। लेकिन नियमानुसार शरीर के सुबह हमें उसे त्यागना होता है मल के रूप में। हमने कितना भी अच्छा खाया हो, रसमलाई या रसगुल्ला कुछ भी, लेकिन जब त्यागना होता है कोई उसके बारे में सोचता नहीं, चिंतन मनन नहीं करता, मोह में नहीं रहता, त्याग देता और भूल जाता है। तो कहा जाता है शास्त्रों में, संतों के द्वारा, इस संसार को मन की तरह त्याग देना चाहिए, फिर कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये मन मलिन है। जब तक त्यागी नहीं, मलिन बना रहेगा, ये मन शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध नहीं होगा, पाप नहीं जाएंगे। पाप नहीं जाएंगे, ये भागवत शास्त्र की प्राप्ति नहीं होगी। सुनना व्यर्थ जाएगा, पाप कटेंगे, पुण्य मिलेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर वो जमाई से चलता रहेगा, भगवत धाम नहीं मिलेगा। तो पाप शून्य होकर के, शुद्ध पवित्र होके हमें भगवान की सेवा में लगना है, नाम जप करना है, अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित उनका ही हो जाना है। तेरे मन को पवित्र करना है, जब तक नहीं होगा संभव नहीं। यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण गोपियों का है। जो गोपी थी ना वृंदावन की, वास्तविक में सब ऋषि मुनि थे त्रेता युग के। वही गोपी बने, भगवान इच्छा की कि मैं गोपी बनना चाहिए, हमें आपका संग मिलना चाहिए। तो भगवान ने उनको ब्रजवास दिया और गोपी के रूप में प्रकट हुए। तो गोपियों ने क्या कहा, क्या किया, अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तो जब तक अपना मन को भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, भगवान को दे नहीं देंगे, भगवान के हाथों अपने आप को बेच नहीं देंगे, तब तक असंभव है भगवत प्राप्ति। भगवत शास्त्र को ठीक ठीक समझना, पीना और भगवान के धाम जाना। अनेक अनेक महात्मा है, कह देते हैं, इसलिए कह देते हैं खुश करने के लिए, आप खुश हो जाएंगे, उनका जय जयकार होगा, दान दक्षिणा मिलेगा और फिर बार बार भागवत होते रहेगी। क्या कहते, भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाएगा। क्या कह देते, भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाएगी। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या कह देते, भागवत सुनेंगे और मुक्त हो जाएंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। भागवतम में एक कथा है गोकर्ण महाराज की। क्या महाराज की? गोकर्ण महाराज की। और गोकर्ण महाराज के जो भाई थे उनका नाम था धुंधुकारी, उसकी कथा है इसी महात्मा में। और धुंधुकारी की माँ धुंधुली, उसकी कथा है। और धुंधुली के जो पति देव थे उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव, जो एक ब्राह्मण थे और राजा थे। तो जो आत्मदेव जो थे उनको कोई संतान नहीं था, एक भी संतान, पुत्र और पुत्री नहीं थे। तो बहुत विचारे कोशिश अनेक प्रकार के तीर्थ यात्रा यज्ञ हवन दान पुण्य करने के बाद भी उनको संतान नहीं हुआ। तो इस साधु की कृपा से उनको ये आशा मिला कि अगर ये फल आप अपनी पत्नी को खिला देंगे तो आपको पुत्र मिलेगा। उस ब्राह्मण से मिला हुआ फल आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी धुंधुली को लाके दे दिया। जो धुंधुली थी वो बहुत स्वभाव से चंचल स्त्री थी। कैसी थी? चंचला, मन कभी भी भगवान में लगता नहीं था, कभी भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनका मन कभी भी भगवान में नहीं लगता, संसार में ही रहते हैं। बोलेंगे सत्संग में चलो, टाइम नहीं है, टीवी देखेंगे, बैठ के सिनेमा देखेंगे, घूमते रहेंगे इधर से उधर। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। तो धुंधुली बहुत चंचल थी, हमेशा मोहल्ले पड़ोस के लोगों को बुला के दिन भर बातें करते रहेगी इधर उधर की, जिसको ग्राम कथा कहते। क्या कहते? ग्राम कथा, प्रपंच। इस प्रकार से प्रपंच करते रहती थी और बड़ा चंचल, रोज नए नए आभूषण, वस्त्र, कपड़े, चप्पल, भोजन इत्यादि में मन लगा रहता था। तो इस प्रकार से जब आत्मदेव जी ने उनको फल ला के दिया और कहा, साधु महाराज ने दिया है और कहा है कि अगर आपकी पत्नी खा लेगी तो आपको संतान अवश्य होंगे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो ये फल आप खा लो। तो स्वभाव से चंचल होने के कारण उसने फल तो नहीं लिया, अपने पति को कुछ कहा नहीं, लेकिन विचार करने लग गई कि अगर मैं फल खा लूंगी तो मुझे गर्भ धारण होगा, गर्भ धारण होगा तो मेरा शरीर खराब दिखेगा, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं दिखूंगी, और जब सुंदर नहीं दिखूंगी तो मेरे पति मुझे प्रेम नहीं करेंगे, और मैं बाहर घूमने भी नहीं जा सकूंगी, मुझे अनेक प्रकार से कष्ट होंगे, और प्रसव के बाद जब मेरा बच्चा पैदा होगा मुझे अनेक वर्षों तक उसे दूध पिलाना पड़ेगा, उसको मल मूत्र साफ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज कहना चाहूँगा, बहुत सारे आजकल की जो माताएं हैं ना, बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। बहुत सारी माताएं, खास करके जो शिक्षित लोग हैं, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, उनको टाइम नहीं होता है। ऑफिस में काम करते हैं, उनको 12-12, 15-15 घंटे काम करना होता है। कोई मेडिकल प्रोफेशन में, कोई कॉर्पोरेट हाउस में, कोई अकाउंटेंट होते हैं, अनेक प्रकार के बड़े बड़े शिक्षा रहते हैं, तो समय नहीं होता। वो नौकरानी भाइयों को बच्चे को दे देते हैं और बॉटल का दूध या फिर कोई व्यवस्था बना देते हैं। एक कारण काम का, दूसरा कारण ये रहता है तो अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से पूछते हैं कि अगर मैं बच्चों को दूध पिलाऊंगा, फीडिंग करूंगा, मेरा शरीर खराब तो नहीं हो जाएंगे, मेरा सुंदरता तो नहीं चला जाएगा, और इस भय से भी बच्चों को दूध नहीं पिलाते अनेक माताएं। इसकी परिणाम क्या होता है? वो बच्चा माँ का प्रेम और ममता से वंचित रह जाता है। तो बच्चों को पुराने जमाने में 4-4 साल तक माताएं दूध पिलाती थी। 4 साल 5 साल बच्चा बड़ा हो जाता तो भी दूध पीते रहता था। देखो जितने बूढ़े उम्र दराज माताएं हैं उनको पूछिए। मेरी माँ खुद कहती थी कि हमने हर बच्चों को कम से कम 4.5 साल तक दूध पिलाया। तो धुंधुली ऐसी स्वभाव की थी, इन्हीं सब विचारों में मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं ये मल मूत्र कैसे साफ करूंगी, कितना दुर्गंध होगा, और कितना रोएगा, रात को जगाएगा, मुझे कितना परेशानी होगी, मैं ठीक से नहीं सोऊंगी, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अनेक प्रकार के विचार चिंता में पड़ गए और उन्होंने चिंता में इतना पड़ गई कि फैसला कर लिया कि अब यह मैं फल नहीं खाऊंगी। और क्या किया, उस फल को ब्राह्मण के घर में गाय था। आत्मदेव ब्राह्मण थे, गाय था उनके घर में। चुपचाप से अंधेरे में रात को वो फल गाय को खिला दिया। किसको खिला दिया? गौ माता को खिला दिया। और आत्मदेव ने पूछा, रानी जी, महारानी जी, मेरी प्रिया जी, आपने खा लिया फल? उन्होंने कहा खा लिया। साधु संत महात्मा शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कभी भी चंचल स्त्रियों पे, जो चंचला है, जिनका मन चंचल है, एकाग्र नहीं है, भगवान में नहीं लगा हुआ है, भजन नहीं करते हैं, संसार में विचरण फिरते रहते हैं, अनेक प्रकार से उग्र है, क्रोधी है, झगड़ालू है और अपने मर्जी से मनोधर्म से जीते हैं, उन पे कभी पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सजग रहना चाहिए, नहीं तो धोखा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्रियों के द्वारा जो क्रिया चरित्र है उसको समझना आसान नहीं है। इसीलिए स्त्रियों को परम शुद्ध होना चाहिए। पार्वती की तरह, कुंती महारानी की तरह, मंदोदरी की तरह और अनेक अनेक जो पवित्र स्त्रियां हुई उनकी तरह हमेशा उनका मन भगवान में होना चाहिए, कीर्तन में होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक उदाहरण से समझिए, बड़ा आसान उदाहरण है। दिन होता है और रात होता है, दो ही चीज है ना, कि तीसरा भी कोई चीज है? दिन और रात बस 24 घंटे में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है, बराबर। इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से दो चीज होती है, या तो मन भगवान में लगेगा या तो मन संसार में लगेगा, या तो जीव शुद्ध पवित्र होगा या तो जीव एकदम भयंकर मायावादी होगा, चंचला होगा। बस इतना समझो, यही पहचान है। अगर कोई भजन नहीं करता है, माला नहीं जपता, सत्संग अच्छा नहीं लगता, भगवत कथा नहीं सुनते, मन भगवान में नहीं है, सेवा नहीं होता है, साधु संग नहीं होता है, भगवान का दर्शन नहीं होता है, तीर्थ धाम नहीं जाते, वो संसार में सब कुछ करेंगे। एक थर्मामीटर है, पहचान बता रहा हूँ। दो ही चीज है, या तो मन भगवान में लगेगा या संसार में लगेगा। तो इस प्रकार से भाई का चंचला स्त्री, संसारी भोगी, एकदम माया में पड़ी हुई स्त्री की पति को झूठ बोल दिया। कई बार सत्संग में हम जाते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, या बैठे हुए लोग हैं, आप लोग तो झूठ नहीं बोलते होंगे, बड़े अच्छे लोग हैं, उनको उत्साह बढ़ाते हैं। ये अच्छी बात है उत्साह बढ़ाना, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि उनका गारंटी आप ले रहे क्या बड़े अच्छे लोग हैं। अरे सब लोग अपने बारे में जानते हैं कितना अच्छा हूँ, कितना चंचल हूँ, कितना झूठा हूँ, किसा हूँ, सब अपने अपने बारे में लोग जानते हैं। तो ये निवेदन करना चाहिए, भले आज तक चंचल हो, आज तक जो किया ठीक है, लेकिन आज से ठीक हो जाना। भागवत सुन के ऊंचा उठना, अपने मन को ऊंचा उठाना, भगवान के धाम में, चिंतन में, मनन में लगाना। ये मन का स्वभाव पानी की तरह है, पानी हमेशा नीचे नीचे बहता है, कहीं से भी डालो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। पानी ऊपर जाता है क्या? कहीं से भी डाले नीचे की तरफ जाएगा। ये मन नीचे चीज में लगता है, ऊंचा चीज में नहीं लगता है। लेकिन पानी दो माने पे भी चढ़ाई जाती है, यहाँ भी पानी आ रहा है तो कैसे चढ़ाई जाती है? मोटर लगाया जाता है। तो ऐसे ही इस मन को अगर ऊपर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान ने एक मोटर दिया, बड़ा अच्छा, सस्ता, फ्री और सब होटल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मोटर चालू रहेगा, अगर ये मोटर चलता रहेगा तो ये मन ऊपर ऊपर लगेगा। ऊपर कौन है? वैकुंठ में भगवान है, गोलोक में भगवान है, ऊपर लगेगा। और अगर मन बिना मोटर का है, बिना हरिनाम का है, तो नीचे नीचे लगेगा, संसार में लगेगा। तो इस प्रकार से उसका मन संसार में लगा हुआ था, क्योंकि मोटर नहीं था उसके पास, महामंत्र नहीं था, हरिनाम हरि कथा नहीं था। झूठ बोल दिया पति को। आप सब लोग कौन कौन झूठ बोलते पति को? सच बोलिए, भगवान सुन रहे, सच बोलिए। अंदर भी है, सामने भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये भक्त लोग भी भगवान स्वरूप है। सब लोग कौन कौन पति देव से झूठ बोलते? आज तक बोला तो बोला, आज के बाद फैसला करिए, झूठ नहीं बोलेंगे। बिना झूठ का काम चल जाएगा तो ठीक रहेगा। मैं आपको उपाय बताता हूँ, बिना झूठ का काम चल जाएगा तो उपाय बताओ। आपको नहीं मालूम, इसलिए झूठ बोलते हैं। उनको खूब प्रेम करिए। पति है ना, प्रेम का भूखा रहता है। आदमी लोग जो पुरुष है, प्रेम का भूखा रहता है। और स्त्री लोग क्या रहती है? स्त्रियाँ, उनको मान सम्मान चाहिए होता है। मैं थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ। जो पुरुष लोग हैं वो लोग कैसे हैं? उनको अहंकार बहुत होता है, उनको मान सम्मान प्रेम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? खूब आदर करो, खूब मान करो। बाहर से आए, पानी का गिलास है, उनको अगर चाय पसंद है, हम लोग को चाय पीते नहीं, कॉफ़ी पीते नहीं, दूध का गिलास, नहीं तो नींबू शरबत, नहीं तो और कोई पेय पदार्थ जो जूस वगैरह। तो जब भी आते हैं उनको उनके पसंद का चीज़ दीजिए। और उनको कहीं आज बहुत थक गए लग रहा है, आइए आइए, थोड़ा पैर दबा देते, थोड़ा सर दबा देते, आपके लिए क्या बनाओ बोलिए, फटाफट हो जाएगा। थोड़ा बढ़ाइए, मान दीजिए उनको, खुश हो जाएंगे और फिर जो चाहिए आपको देंगे। और स्त्रियों को हमेशा अपने पति देव से प्रेम चाहिए होता है। स्त्रियाँ चाहती है उनका पति सिर्फ उनको प्रेम करे, किसी को देखे भी नहीं। ये स्त्रियों का स्वभाव होता है। किसी को देख भी लिया तो बातचीत बंद हो जाता है। भले भले माता जी बोल के भी मिलेंगे ना, तो शक में रहते, क्या रहते? संशय रहता है, माता जी क्यों बोला। तो संशय आत्मा विनश्यति। पति पत्नी में संशय कभी नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में संशय दुख का कारण है, क्लेश का कारण है। पति पत्नी में सिर्फ प्रेम और विश्वास रहना चाहिए। माताओं को, स्त्रियों को, पति को मान देना चाहिए और प्रभु जी लोग को, पति को, पत्नी को प्रेम देना चाहिए। ये मूल मंत्र है गृहस्थ जीवन में सुखी रहने का। सरल है एकदम। तो इस प्रकार से आप लोग झूठ मत बोलिएगा। नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे तो एक बार महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से धुंधुली ने, ये धुंधुलू के नाम है ना, धुंधुली जो नाम है, ये बोलने से भी लगता है कोई धुआं धुआं, क्या अंधकार लगता है, धुंधुली है ना। जैसे सर्दी के दिनों में दिल्ली, वृंदावन या नॉर्थ साइड में जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, तो कहते धुंध है, धुंध, कुछ दिखता नहीं, बराबर पूरा धुआं रहता है, फॉग, कुछ दिखता नहीं। तो धुंधुली, इसलिए इसको कुछ दिखता नहीं अच्छा। ये अंधेरे में, माया में, संसार भोग में है। तो धुंधुली का ये भी अर्थ होता है धुंध, एक प्रकार का अंधकार। तो धुंडोली ने अपने पति से, ब्राह्मण से झूठ बोल दिया, ब्राह्मणों से, गुरु से, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति देव को झूठ बोला, मैंने फल खा लिया और फिर क्या किया, अपने बहन को बुलाया और अपने बहन को सारी बात बताई और उसकी बहन भी उस टाइम पे कुछ 15 दिन या एक महीने की गर्भवती हुई थी। तो बहन को एक योजना बताई कि छल कुटिलता किस प्रकार से झूठ बोलते हैं पति को ठगने के लिए। उसने एक योजना बताई अपने बहन को कि बहन, मेरा पति ने मुझे इस प्रकार से, पता नहीं कौन बाबा कौन साधु से फल लाया, बोलता संतान होगा, मुझे तो भरोसा नहीं, मैंने वो गाय को खिला दिया। लेकिन तू क्या करना कि तेरा जो बच्चा पैदा होगा वो मुझे दे देना, बदले में मैं तुझे जो चाहिए और दूंगी, मैं तो राजा हूँ, रानी हूँ, मेरे पास अथाह संपत्ति दौलत है, तुझे जो चाहिए दूंगी, चाहिए तो तू मेरे साथ महल में ही रहना, मेरा पति तुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अधिकार मेरे पति पे इतना है तो मुंह भी नहीं खोल सकता है। भागवतम में लिखा गया है कलयुग में घर के पुरुष स्त्रियों के कब्जे में रहेंगे। क्या लिखा गया भागवतम में, इसी उपाख्यान में लिखा हुआ है। नारद जी कह रहे हैं कि हर घर में स्त्रियों का राज चलेगा।